बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल तड़का किचन। कैसे हैं व्यूवर्स आप लोग? आज हम रेसिपी शेयर कर रहे हैं आप लोगों के साथ। इसको आलू का भुर्ता भी कहते हैं बहुत लोग, और कुछ लोग जो हैं आलू की भुजिया भी कहते हैं। चलें अब हम चलते हैं रेसिपी की तरफ। पहले तेल ले लिया और तेल को थोड़ा गर्म कर लेंगे हम। अच्छा, अब उसमें ऐड करेंगे प्याज, प्याज को थोड़ा फ्राई कर लेंगे। इतने जो है प्याज लाल हो रही है, हम इतने आलू की तरफ चलते हैं। आलू को जो है इस तरह काट लेंगे बारीक बारीक। अच्छा, बहुत लोग जो है ना वो ये आलू को मैश कर लेते हैं, लेकिन वो जायका नहीं आता जो काटे में जायका है। हम इस तरह आलू की काट लेंगे, हम इस तरह काट लेंगे। हमने आलू जो इस तरह काट लिए, अब हम दोबारा प्याज की तरफ चलते हैं। अब हम इस पोजीशन पे जो है हरी मिर्च ऐड करेंगे इसमें। हाँ, हरी मिर्च भी इसमें मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा चमच अदरक, हम इसको डालेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा चमच जीरा, हम इसको भी हिला लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे एक चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब थोड़ा हिला लेंगे इसको भी। हम इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच नमक, ये नमक अपने हिसाब से लीजिएगा। तेज खाते हैं तेज लें, हल्का खाते हैं हल्का लें। आधा चम्मच हल्दी भी डालेंगे हम। अब हम इसमें ऐड करेंगे आलू। ये आलू जो है इसमें खुद ही टूट जाएंगे, ये इसको मैश करिएगा, इस तरह काटिएगा। जब हम इसमें वो करेंगे ना भूनेंगे तो कुछ टूट जाए, छोटे छोटे खुद ही हो जाएंगे। हम मिक्स कर लेंगे आलू को भी। हम जो है आलू को अच्छी तरह से घी में और मसाले में फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे। अगर से आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरा सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी नए नए वीडियोस आप तक पहुंच जाएं। और मेरी रेसिपी जरूर ट्राई किया करें आप लोग, और कमेंट में जरूर बताया करें कैसी बनी है आप लोगों से रेसिपी मेरी। और उसकी खुशबू जो है अभी से इतनी मजेदार आ रही है, बहुत ज़बरदस्त, कलर भी बहुत ज़बरदस्त है इसका, और खुशबू भी बहुत मज़ेदार आ रही है। अच्छा, इसमें असल बात ये है, जितना इसको पकाना आसान है इतने में खाने में लजीज लगता है। ये पकाना बहुत आसान है, खाने में बहुत ज़बरदस्त पक लगता है ये। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा चाय के चमचा गर्म मसाला, पिसा हुआ गर्म मसाला हमने लिया है। हम इसको भी मिक्सअप कर लेंगे मसाले में आलू में। अब हम इसमें ऐड करेंगे, हमने ये आधा कप दही ले लिया, हम दही को भी इसके मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, थोड़ा सा, देखिए माशाल्लाह कलर लग रहा है इसका, खुशबू भी इतनी जबरदस्त आ रही है। अब आप लोग ट्राई करेंगे तभी आप लोगों को पता लगेगा इसका। अब हम इसको लो फ्लेम करके कवर करके थोड़ी देर रख देते हैं, 5 से 7 मिनट के लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह व्यूअर्स, देखिए कितना जबरदस्त लग रहा है ये। अब हम ये डिश तैयार हो गई रेसिपी हमारी, हम कर लेते हैं इसको डिश आउट। हमारी रेसिपी हो गई है रेडी, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कैसी बनी है ये। हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग तड़का किचन। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।